हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बैक स्टोरी इंस्पिरेशनल ऑफिसर्स। ये कहानी है आईपीएस ऑफिसर एन अंबिका की, हु वेंट ऑन टू बिकम अ शाइनिंग एग्जांपल टू वुमेन ऑल ओवर द कंट्री। तमिलनाडु की एन अंबिका 14 साल की उम्र में ही चाइल्ड मैरिज की विक्टिम रही है, जब तक उनकी आयु 18 साल की हुई, जो कि इंडियन वुमेन के लिए शादी का लीगल एज है, वो ऑलरेडी दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक बार जब अंबिका अपने हस्बैंड के साथ रिपब्लिक डे की परेड देखने गई थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को, जो कि खुद एक पुलिस कांस्टेबल है, कई सारे लोगों को सल्यूट करते हुए देखा था। अपने हस्बैंड से पूछने पर उन्हें ये पता चला कि वो लोग आईपीएस ऑफिसर्स थे और उन्होंने इसी से प्रेरणा लेकर खुद एक आईपीएस ऑफिसर बनने का फैसला लिया, उसी समय लिया। लेकिन उनकी ये आईपीएस जर्नी आसान नहीं थी। जब उन्होंने आईपीएस बनने का डिसीजन लिया, तो पहले उन्हें अपनी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ी और फिर यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए उन्होंने चेन्नई जाने का फैसला लिया। डिस्पाइट ऑल हर हार्ड वर्क एंड अनइमेजिनेबल जर्नी एंड हर बेस्ट एफर्ट्स, अंबिका अपने यूपीएससी के पहले 3 अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन इन फेलियर्स की वजह से हार मानने के बजाय उन्होंने अपने हर एक अटेम्प्ट को लेसन की तरह लेने का निर्णय लिया। उनका ये मानना था कि हर अटेम्प्ट से उन्हें अपनी गलतियों और कमजोरियों का और बेहतर एहसास हुआ है और इससे उन्हें आगे चल के सफलता मिलने में मदद मिलेगी। उनके पति, जिन्होंने इस पूरे दौरान अपने बच्चों की अकेले देखभाल की, चाहते थे कि अंबिका 3 अटेम्प्ट के बाद घर वापस आ जाए और फिर से कोशिश ना करें। लेकिन अंबिका ने उन्हें समझाया और एक बार और यूपीएससी परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। उन्हें अपने आप पे पूरा विश्वास था कि अगर वो इस बार भी सफल ना हो पाए तो उन्हें एटलीस्ट एक टीचर की नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। अंबिका अपने 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा पास करने में सफल हुई। करंटली पोस्टेड इन मुंबई, अ स्ट्रगल इज अ प्रोफाइल इन करेज एंड ऑल्सो एन इंस्पिरेशन टू मेनी मेनी अदर्स, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु कीप ट्राइंग टू सक्सीड आफ्टर फेलिंग एट इट मोर देन ट्वाइस और इवन थ्राइस, स्पेशली वुमेन इन द कंट्री। अंबिका ने अपने पेरेंट्स, सोसाइटी या अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम ना करते हुए अपने लाइफ को अपने हाथों में लेने का डिसीजन लिया और यही वजह है कि आज हम यहाँ उनकी कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी इससे इंस्पायर हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से ऑफिसर्स की कहानियाँ देखना चाहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। जय हिंद।